नमस्कार, मैं दीति फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे खान पान की सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। खाने का सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसके शरीर को सही पोषक तत्व मिले इसके लिए भी खाना जरूरी होता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, भोजन की वजह से शरीर की पूरी कार्य प्रणाली सही तरीके से चलती है। हालांकि आजकल बिगड़ती लाइफस्टाइल में लोग पौष्टिक तत्वों को अनदेखा कर सिर्फ स्वाद के हिसाब से खाना खाते हैं। खाने में जंक फूड और बाहरी चीजों शामिल करने से शरीर को जरूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। कई बार बाहर के खाने में पुराने तेल, बासी सब्जी, खराब मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। खाने का असर शरीर पर तुरंत देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आपको शरीर में ये कुछ खास लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की बेहद जरूरत है। चलिए आपको बताते हैं ऐसे कुछ खास लक्षणों के बारे में। सबसे पहले, रात में देर तक नींद नहीं आने। कई बार घंटों आंखें बंद करने के बावजूद भी हमें नींद नहीं आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि दिन में सोने की वजह से हम रात को ज्यादा नींद नहीं आ पाएगी, लेकिन इसके पीछे का बड़ा कारण हो सकता है शरीर में बढ़ते कैफीन की मात्रा। रात में एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट और कैफीन का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही आपको कैफीन और इन सब के सेवन की वजह से आपकी नींद भी उड़ सकती है, इसलिए बिल्कुल भी इन चीजों का सेवन ना करें। इसके साथ ही स्किन में ड्राइनेस बढ़ना ऐसे शरीर में पानी कम होने की वजह से हो सकता है। खाना जितना जरूरी है उतना ही शरीर के लिए पानी भी जरूरी होता है। शरीर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, स्किन में रूखापन, सिरदर्द, स्किन का रंग बदलना और त्वचा का फटने जैसी अधिक समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना बेहद जरूरी होता है। इसके चलते ही आपको ये बताएंगे कि भरपूर खाने के बाद भी थकान महसूस होती है तो इसका बड़ा कारण आपकी डाइट हो सकती है। इसलिए अपने डाइट में पौष्टिक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।